let it bang. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर के रूल को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रूल नंबर वन कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर रहता है, कोई भी हम लोग का एक सेंटेंस अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा वर्ब कोई प्लुरल होता है तो उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट है अगर प्लुरल वर्ब होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार रूल नंबर वन कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ यूज जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। ठीक, और प्लुरल वर्ब रहेगा, प्लुरल वर्ब का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल वर्ब होगा। ठीक, तो यही हमारा रूल नंबर क्या करता है, वन करता है। ये सब सेंटेंस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कह रहा है कि मोहन वाज ऑलवेज लेट। ठीक, अब मोहन क्या है, मोहन हमारा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। ठीक, तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर वाज लगा है तो यहाँ मोहन के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक, नीचे वही सेम लिखा है कि मोहन वर ऑलवेज लेट, यहाँ पर हम लोग वेयर का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोहन हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ जो यूज है ये हमारा क्या है, प्लुरल वर्ब है, क्योंकि हमारे साथ सिंगुलर नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार रूल नंबर टू कह रहा है कि आई का उपयोग हम लोग सिंगुलर वर्ब के लिए करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन इसका हम लोग उपयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है कि आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आई तो हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक, लेकिन हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार देखिए नीचे दिया है आई एम ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई हमारा तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो हैव यूज किए हैं, हम लोग क्या है, हमारा हैव यहाँ पर सिंगुलर नहीं, यहाँ पर हमारा हैव जो है प्लुरल वर्ब है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो हम लोग आई का उपयोग, हम कह सकते हैं कि आई का उपयोग सिंगुलर वर्ब तथा प्लुरल वर्ब दोनों के साथ उपयोग करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में हमेशा दो नंबर का आता है। सेंटेंस कोई दे देता है, मान लीजिए मोहन वर ऑलवेज लेट, अब पूछेगा कि सेंटेंस में क्या गलती है या उसको हमको सुधारना रहता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर की जगह पे वाज लिख देंगे, तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक, ठीक उसी प्रकार रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि यू का उपयोग सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो अगर हमारे यू के साथ, यू का उपयोग हम लोग सिंगुलर या प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ उपयोग होने वाला जो वर्ब होता है हमारा हमेशा क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यू आर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यू का उपयोग किसके लिए किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर आर जो हमारा क्या है, प्लुरल वर्ब है। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट को टारगेट लेके बोला जा रहा है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम बच्चे हो। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर इंजीनियर्स, मतलब यहाँ पर जो यू का उपयोग किया गया है यहाँ पर किया गया है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया गया, लेकिन इसके साथ उपयोग जो हो रहा है हमारा प्लुरल वर्ब का उपयोग हो रहा है, यानी यहाँ पर सभी इंजीनियरों को बोला जा रहा है कि तुम सभी लोग क्या हो, इंजीनियर हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर यू का उपयोग हमारा क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ है। ठीक, उसी प्रकार रूल नंबर चार कह रहा है कि नीड नॉट या डेयर नॉट का उपयोग हम सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल दोनों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ होने वाला उपयोग हम लोग हमेशा प्लुरल फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, इसका हमेशा उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है सी डिड नॉट गो देयर। ठीक, यहाँ पर नीचे लिखा है सी डिडंट नॉट गो देयर, यहाँ पर डिड के साथ हम लोग एस का उपयोग नहीं करते, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। ठीक, तो जहां भी नीड नॉट या डेयर नॉट होगा तो उसके साथ हमेशा हम लोग प्लुरल फॉर्म का ही उपयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो।
ठीक उसी प्रकार रूल नंबर हमारा 5 वाला है कि यदि सेंटेंस कोई भी अगर सेंटेंस हमारा दिया है इफ से स्टार्ट होता है, एज इफ से स्टार्ट होगा या एज दो से स्टार्ट होगा या इफ ओनली से स्टार्ट होगा या आई विश से, मतलब कोई भी काल्पनिक चीजों का बारे में अगर स्टार्ट होगा या इमेजिन करेगा तो वहां पर हमारा जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है प्लुरल वर्ब का उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं कि आई विश, यहाँ पर क्या है हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है आई विश, यहाँ वो क्या करती है आशा कर रही, यहाँ पर काल्पनिक कर रही है तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा प्लुरल वर्ब आएगा। तो यहाँ लिखा है आई विश आई हैव मनी, मेरे पास पैसा हो, वो क्या कर रहा है कल्पना कर रहा है, यहाँ पर आई के साथ हमारा क्या रहा है प्लुरल वर्ब आएगा। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है कि इफ ही वर माय बॉस, कह रहा है कि यदि, यहाँ पर यदि हमारा क्या है काल्पनिक है, बताओ इमेजिनरी रियलिटी नहीं है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि वो अगर मेरा बॉस रहता तो क्या करता ही वुड सस्पेंड मी, वो हमको क्या कर देता सस्पेंस कर देता। यहाँ पर भी देखिए ही के साथ हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ही दिया है इफ लगा है तो यहाँ पर ही है तो इसके साथ भी हमारा क्या होगा वाज का उपयोग ना करते वर का उपयोग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इफ अगर आगे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पर प्लुरल वर्ब का उपयोग होता है। ठीक तो इसमें हमने आपको 5 नियम बताए इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दे देता है उसमें कुछ गलती कर देता है और उसको कहता है कि इसको सुधार कर लिखिए, हमारे बोर्ड में हमेशा 4 नंबर का ये पूछता है, इसको आप ध्यान से सभी रूल को पढ़िए। इस वीडियो में हम 5 रूल बताए, अगले वीडियो में हम और रूल को इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए